हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान बुद्धिन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है तुगलक वंश से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पर कमेंट्स भी करें जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक भेजते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जिसने। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी था। मोहम्मद तुगलक का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है, जैसे अंतर्विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी सुल्तान या तुगलक आदि। एलेक्सटन ने यह मत व्यक्त किया है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों या सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की जो योजनाएं थी जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं उनके बारे में। तो उसकी दुआओं में कर वृद्धि 1325 से 1327 ईस्वी में जो हुई उसमें उसने दुआओं में कर वृद्धि करके 50% कर दिया गया। जिस समय दुआओं में कर वृद्धि की गई उस समय दुआओं में भीषण अकाल आ गया था। लगान अधिकारियों ने कठोरता से लगान वसूल किया, फलतः किसानों में विद्रोह की भावना आ गई। इस विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। बाद में इस संकटपन स्थिति में सुल्तान ने कृषकों को सहायता के लिए कुछ सौंदर्य या तकावी ऋण प्रदान की। किसानों को बीज बैल आदि दिए तथा सिंचाई के लिए कुएं और नहरें खुदवाई। तो जे जो उसकी दुआ में कर वृद्धि थी जे उसकी योजना असफल रही क्योंकि उसी समय दुआ में भीषण अकाल आ गया था। दूसरी उसकी योजना होती है राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में यह सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी मानी जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद तुगलक ने इसे राजधानी बनाया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद तुगलक की यह योजना असफल रही। इसामी के अनुसार दिल्ली 14 वर्ष के पश्चात पुनः बसी, लेकिन 1335 ईस्वी में ही संभवतः सुल्तान ने अपनी इच्छानुसार दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी थी। इसका एकमात्र लाभ यह हुआ कि उत्तर एवं दक्षिण की संस्कृति एक दूसरे से परिचित हुई। तो जो राजधानी परिवर्तन था इसकी तुगलक की यह भी योजना असफल रही। इसके बाद उसकी अगली योजना होती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी में जो उसने चलाया। ऐसा नहीं कि विश्व में वह एकमात्र ऐसा शासक था इससे पहले सांकेतिक मुद्रा को अपनाया था। इसके पूर्व चीन के कुबलई खान और ईरान के खुद ऐसा प्रयोग कर चुके थे। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्के को छोड़कर कांसे तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। पर्णी कहता है कि तांबे का सिक्का चलाया, फरिश्ता कहता है कि पीतल का या कांसे का चलाया। संभवतः विश्व स्तर पर चांदी की कमी को देखते हुए ऐसा किया। मोहम्मद तुगलक की भूल यह रही कि उसने नकली मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के कड़े उपाय नहीं किए। और जैसा कि पर्णी मानता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल स्थापित हो गए, तुगलक की यह योजना असफल हो गई। हालांकि इसका कोई दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में दिल्ली पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा। इसके बाद उसके जो मंगोल आक्रमण तथा खुरासान विजय योजना थी 1327 ईस्वी में, खुरासान विजय की। इसके बाद कराचल या कराजल अभियान 1337-38 ईस्वी में हुआ। तो इन अभियानों के बाद उसने साम्राज्य विस्तार एवं मोहम्मद तुगलक के समय में हुए जो विद्रोह थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत था।
1837 में इसने नगरकोट कांगड़ा में विजय की। 1328 में अंतिम हिंदू राजा कांपिल को जीता। मोहम्मद तुगलक के समय 23 प्रांत थे, जैसा कि इब्न बतूता विवरण देता है कि कश्मीर एवं बलूचिस्तान शामिल नहीं थे। इसकी नीतियों के कारण चारों तरफ विद्रोह होने लगा था। कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। तो कुछ विद्रोह हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। 1327 ईस्वी में प्रथम विद्रोह था, उसके मौसेरे भाई तथा सागर के गवर्नर गुरसाप ने किया था। इसे बलपूर्वक उचल दिया गया था। 1327-28 में लाहौर, मुल्तान, सिंदौर, उसके गवर्नर बरहस ने विद्रोह किया था। 1335 में मावर के गवर्नर एहसान शाह ने विद्रोह किया। 1336 में हरियाल बुक्का ने, 1338 में बंगाल के गवर्नर फखरुद्दीन मुबारक शाह ने किया। 1339-40 में गुजरात एवं जाफराबाद के गवर्नर ने किया। और 1347 में मोहम्मद तुगलक ने आमिर सादा यानी 100 अमीरों का संगठन को प्रताड़ित किया था। अंत में 1347 ईस्वी में हसन गंगू या बहमन साय के नेतृत्व में बहमनी राज की स्थापना हुई। तो इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के समय जो विद्रोह हुए, इससे उसका साम्राज्य विघटित हुआ और आखिरकार उसका पतन होने लगा। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में चीन के सम्राट तोगान तैमून ने 1341 ईस्वी में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसने हिमालय क्षेत्र में बौद्ध मंदिरों को जो मरम्मत करने का निवेदन सुल्तान के समक्ष रखा था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा था और 1347 ईस्वी में भारत लौट आया। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इराक के मूसा ने भी प्रतिनिधिमंडल में के रूप में भेजा था। तो मोहम्मद तुगलक वाद विवाद के माध्यम से धार्मिक समस्याओं का निदान होता रहता था। बर्नी के अनुसार वह तर्क बुद्धिवादी शब्द का प्रयोग करता है। इमाम बतूता ने लिखा है कि मैंने स्वयं देखा है कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल को नमाज के बाद केवल दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था। मोहम्मद तुगलक न्यायप्रिय शासक था। सुल्तान स्वयं अपराध करने पर दंड पाने के लिए काजी के पास पहुंच जाता था और स्वयं एक बार 21 कोड़ों की सजा स्वीकार की थी। तो मोहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद नामक एक किला बनवाया था, जो तुगलकाबाद के नाम के निकट है। उसने जहांपनाह नामक एक नया नगर बसाया था। इस नगर के अवशेषों से सतपला बांध और बिजली महल दो महत्वपूर्ण कलाकृति आज भी विद्यमान है। तो इस प्रकार उसकी जो योजनाएं थी, उसके समय में विद्रोह थी हुए, उससे उसका जो राजका था विघटन हुआ। और फिरोज तुगलक यासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रज्जब का पुत्र था। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक आएगा तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को से के पास भी भेजें। साथ ही इस पर कमेंट्स भी करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाते रहें।